अगर आप सर्दियों में टेस्ट के साथ हेल्थ का भी ख्याल रखना चाहते हैं तो हल्दी की मदद से पकवान को तैयार करें, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होती है हल्दी। कच्ची हल्दी भारतीय रसोई में एक अहम हिस्सा रखती है। इसके इस्तेमाल के बिना कई रेसिपीज तैयार होती ही नहीं है। यही नहीं, स्वाद में भी तड़का लगाने के साथ साथ कई बीमारियों को भी दूर करने के लिए कच्ची हल्दी एक बेस्ट घरेलू उपाय है। एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर कच्ची हल्दी स्वस्थ और फिट रखने के लिए एक बेस्ट दवा के रूप में भी काम करती है। इस मौसम में वैसे भी लोगों को खांसी, फ्लू और सर्दी लग जाती है, इसीलिए हेल्दी रहने के लिए हल्दी की चाय या फिर दूध में हल्दी मिक्स करके लोगों को पीना पसंद है। अगर आपको मीठा खाने का शौक है तो इस हल्दी के हलवे की रेसिपी को ट्राई करें। इसे घर पर बनाने के लिए आपको बस कुछ नियमित सामग्री की ही जरूरत है। चलिए बात करते हैं कि सामग्री में किन किन चीजों की जरूरत है। 100 ग्राम कच्ची हल्दी, आधा कप गुड़, 1 कप गेहूं का आटा, घी आवश्यकता अनुसार, 1 गिलास दूध, सूखे मेवे वैकल्पिक। अब बात करते हैं कि इसकी विधि के बारे में कि कैसे बनाएंगे हलवा। एक पैन में घी डालकर मैदा को 5 से 7 मिनट तक भून लें, फिर इसे आंच से उतार लें। इसके बाद इसमें कद्दूकस की हुई हल्दी डालें और 10 मिनट तक भुनें। भुनने के बाद अलग रख दें। उसी पैन में थोड़ा और घी, भुनी हुई हल्दी, गेहूं का आटा, गुड़ और दूध डालें। मिश्रण को 4 से 5 मिनट तक पकाएं। ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालकर सर्व करें।